आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति पाठी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले विधानसभा सत्र के समीकरण भी बदल गए हैं। दरअसल प्रदेश में 21 सितंबर से विधानसभा मानसून सत्र शुरू होना था, जिसे लेकर पहले यह कहा जा रहा था कि कोरोना की वजह से सत्र छोटा रहेगा, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर महज औपचारिकता पूरी की जा रही है। दरअसल कोरोना के चलते विधानसभा सत्र को महज एक दिन का कर दिया गया है, मतलब 21 सितंबर से शुरू होने वाली सदन की कार्रवाई उसी दिन ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। हालांकि बड़े हैरानी वाली बात यह है कि इतना बड़ा फैसला सर्वदलीय बैठक में हुआ, जिसमें कांग्रेस की ओर से विरोध के बजाय चुपचाप सहमति दे दी गई। सर्वदलीय बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ ही नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ कमलनाथ मौजूद थे, जिन्होंने बिना कोई आपत्ति जताए प्रोटम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के एक दिन का विधानसभा मानसून सत्र करने पर अपनी हामी भरी। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि लंबे समय से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खाली पद को भरने की चर्चा तक नहीं हुई। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? और जब कोरोना काल में राज्य के अंदर सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है, तो कोरोना की मार सबसे ज्यादा सदन की कार्रवाई पर ही क्यों पड़ रही? इस पर विकास बात होगी जनता मांगे जवाब में। आज के मुद्दे सत्ता का शत्रु। मध्य प्रदेश में 21 सितंबर यानी अगले हफ्ते सोमवार को होने वाली विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मंगलवार को सर्वदलीय बैठक हुई। तकरीबन घंटे भर चली सर्वदलीय बैठक में फैसला लिया गया कि विधानसभा का सत्र केवल एक दिन का होगा और इसमें प्रश्नकाल नहीं होगा। इसके साथ ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को भी टाल दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि विधानसभा सत्र के नाम पर महज औपचारिकता पूरी की जा रही है? प्रश्नकाल को क्यों नहीं कराया जा रहा? प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पहले मंत्रिमंडल विस्तार में देरी और अब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को टालना, आखिर ऐसा क्या हो रहा है? चलिए सत्र के इस सत्र पर विस्तार से बात करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना जमकर कहर बरपा रहा है। हालांकि ये और बात है कि इसके चलते लाइफ अब लॉक नहीं है। राज्य में महामारी के महाप्रकोप के बीच सब कुछ तकरीबन सामान्य है, लेकिन विधानसभा के मानसून सत्र पर कोरोना की मार जरूर पड़ी है। दरअसल विधानसभा का मानसून सत्र अब एक दिन का ही होगा। ये बड़ा फैसला मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में लिया गया। सर्वदलीय बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह के साथ ही नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और विजय लक्ष्मी साधु मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक में तय हुआ कि विधानसभा का सत्र केवल एक दिन का होगा और उसमें भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। इसी के साथ ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को भी टाल दिया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 21 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें कुल 3 बैठकें प्रस्तावित थी और विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी होना था। लेकिन अब जब मानसून सत्र महज एक दिन का होगा, तो इसमें सिर्फ दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद बजट को पास किया जाएगा। एक दिन के सत्र में विधायकों को भी सीमित संख्या में बुलाने पर सहमति बनी है। साथ ही ये भी तय हुआ है कि सभी विधायकों के सवालों के जवाब लिखित में दिए जाएंगे। बहरहाल इन सबके बीच सवाल यही है कि क्या एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाकर महज औपचारिकता पूरी की जा रही है? और अगर ऐसा है तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने इस पर विरोध करने के बजाय अपनी सहमति कैसे दे दी? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो एक और जहां विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक होने की तैयारी चल रही थी, तो दूसरी ओर कोरोना वायरस से राजगढ़ जिले में बैरा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गोवर्धन सिंह तांगी के निधन की खबर आ गई। इधर विधानसभा के कई सदस्य अभी कोरोना की चपेट में भी हैं। ऐसे में जब विधानसभा का सत्र शुरू होने में हफ्ते भर से भी कम समय शेष है, तो कोरोना पीड़ित मंत्रियों और विधायकों की सदन की कार्रवाई में शामिल सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि प्रोटम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि जो सदस्य एक्चुअली नहीं जुड़ पाएंगे वो वर्चुअली जुड़ सकते हैं।
खैर चलिए अब सत्ता की सत्र पर चर्चा शुरू करें, जिसमें हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण नापित जी हैं। नापित जी आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी हैं। दुर्गेश जी आपका भी स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवेंद्र इसरानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के इसरानी जी के पास चले, उसके बाद नापित जी बहुत संक्षेप में ही उत्तर चाहेंगे। क्या सिर्फ सदन के अंदर ही कोरोना की महामारी है? सत्र में अगर सत्र लगता है वर्चुअल ही लगवा लेते, तीन दिन का होता, तीन दिन के होने पे अलग अलग विधायक अपने प्रश्न उठाते हैं, जनहित के मुद्दे उठते हैं, भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है वो मुद्दा उठता है, उसमें रोक लगती है। ऐसी स्थिति में क्या सरकार विधानसभा सत्र चलाने से भाग रही? नहीं, उसमें उन्होंने कहा है कि प्रश्नकाल होगा, लिखित में अगर प्रश्नकाल नहीं होगा, हाँ, नहीं होगा, तारांकित उपरांत जो प्रश्न आएंगे लिखित में आएंगे उनका जवाब भी उन तक विधायकों को माननीय तक पहुंचा जाएगा। अब बात आई तीन दिन का वर्चुअल का, अब कई लोग बीमार हैं, कई लोग हॉस्पिटलाइज हैं, कई लोग होम क्वारंटाइन हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी आज ही हमारे प्रदेश में, एक विधायक जो व्यवरा से शशि दांगी जी थे वो हम नहीं रहे, उनको मैं वनम उनके चरणों में श्रद्धांजलि देता हूँ। ऐसी स्थिति कई लोग हैं, अभी प्रभु राम चौधरी जी पॉजिटिव थे, दो दिन बाद अभी हुए हैं, जबलपुर से जो विधायक हैं वो लोग, तमाम ऐसा चल रहा है, सभी लोग कहीं ना कहीं हैं। अब जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उस बैठक में सभी लोग थे, और आपने कहा ये कि इसमें किसी ने विरोध नहीं किया, उनको सबको लगा होगा कि ये कोई बीच का रास्ता है, और जो रास्ता सर्वदलीय बैठक में बात आई है, विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा जी ने जो कहा, और ये जो बात आई विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा या उपाध्यक्ष का, आगे कर दिया, तो उसमें कोई वो बहुत बड़ी चीज नहीं आ रही है। बजट का मामला था, बहुत बड़ी चीज नहीं साहब, फिर विधानसभा में लगे नहीं, तो नहीं लगे तो बजट का कुछ प्रावधान होगा, उसको प्रावधान महीने में, वो तो प्रावधान के लिए पूरा संवैधानिक मजबूरी है कि आपको सत्र बुलाना है, तो हमने बुलाया। पर उसमें भी ये बताया ना आपने कि उसमें भी सीमित संख्या में विधायक आएंगे, और जो आएंगे तो उसको डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। मुझे लगता है हो जाता, पर मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं किया होगा, नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, या वहां से जो पीसी शर्मा जी बैठे थे, विजय लक्ष्मी साधो जी बैठे थे, सर्वसम्मति से ही तो विधानसभा कोई सत्ता पक्ष अकेले नहीं चलाता, उसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होती है, और हमेशा ये गर्मियां बनी रही है, जब भी विधानसभा से पहले बैठकें हुई हैं तो सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें जो भी नीति बनती है उसका पालन होता है विधानसभा सत्र के दौरान। तो बाकी वहाँ हम थे नहीं, आप भी नहीं थे, तो वहाँ क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, वो भी आज एक आध तो हुआ तो यही जो सामने निकल के आया उसी पे तो चर्चा करेंगे, हुआ तो वही है। चलिए दुर्गेश जी, हम इसराइल जी के वाकई में वस्तु स्थिति क्या है, क्या होना चाहिए, उनके पास जाएंगे, बेहद जानकारी भी देंगे वो, लेकिन दुर्गेश जी ये कैसे सत्र हमेशा विपक्ष मांग करता रहा है, चाहे बीजेपी रही हो या कांग्रेस थी, तो विपक्ष मांग कर रही थी, मतलब बीजेपी, कि सत्र बड़ा होना चाहिए, कम से कम तीन दिन का अगर आहूत किया गया था तो कमलनाथ जी थे, विजय लक्ष्मी जी थी, पीसी शर्मा जी थे, इन्होंने सहमति ऐसी क्यों दे दी? क्या आपको लगता है कि सहमति देनी चाहिए थी? सबसे पहले तो मैंने विधानसभा के सदस्य दागी जी के आकस्मिक निधन पर उन्हें अर्पित करता हूँ। साथ ही जो आज विधानसभा पर चर्चा हो रही है, एक दिन का सत्र, उस पर कांग्रेस ने सहमति क्यों दी? हम तो उस दल के साथ में मध्य प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं, जिसने अच्छे वातावरण में भी छह घंटे में ही सदन को समाप्त किया है। ये षड्यंत्र से करते, ये सदन में बैठना ही नहीं चाहते, केंद्र में इन्होंने कह दिया लोकसभा के अंदर सवाल नहीं होंगे। आज मध्य प्रदेश में भी सवाल आया, उनका सवाल जवाब नहीं होंगे, तो वहां पर विधायक आके करेंगे क्या जी? सिर्फ विरोध? तो भैया हम तो जनता के पक्ष में काम करने वाले लोग हैं, जनता के भरोसे पे और जनता के विश्वास पे जीने वाले लोग, हम जनता के बीच में रहेंगे और जनता के साथ में जब हम सदन में पहुंचेंगे जी, और मध्यप्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी, तो वहां पर अध्यक्ष भी होगा, सदन के अंदर उपाध्यक्ष भी होगा, और सत्र जैसे पूर्व में हुआ करते थे। दुर्गेश जी हम यहाँ सवाल ये कर रहे हैं भाई, उन्होंने कहा प्रश्नकाल शून्यकाल नहीं होगा, सर्वदलीय बैठक का सर्वदलीय बैठक का मतलब ये हुआ कि इनको कहना था कि नहीं हम नहीं सहमत है, बाहर आके बोलते कि हमारी असहमति के बगैर ये ऐसा हो रहा है। आदरणीय त्रिपाठी जी,
केंद्र की नीतियों को दिखाते हुए जैसे लोकसभा के अंदर कह दिया कि प्रश्नकाल नहीं होगा, उसका आधार बना के मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कह दिया कि हम प्रश्नकाल नहीं होने देंगे जी। मध्य प्रदेश के अंदर प्रश्नकाल ये सब करने के लिए पहले अध्यक्ष का चयन होना पड़ेगा जी। अध्यक्ष के चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव में आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको भरोसा है कि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा सदन में पटल पे खड़े होंगे तो इनके अध्यक्ष के चयन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव होना है, चुनाव होगा तो वोटिंग होगी, वोटिंग होगी तो कहीं ना कहीं इनको खटक रहा होगा कि इनके विधायक कांग्रेस के अध्यक्ष के प्रत्याशी को वोट नहीं देते। तो सहमति नहीं देते, वही तो सवाल कर रहे हैं कि एक दिन त्रिपाठी जी नहीं देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सहमति नहीं देंगे, पर जिस तरीके की बाध्यता भारतीय जनता पार्टी ने सदन को चलाने के लिए रखी है उससे कोई औचित्य नहीं निकल रहा था, सिवाय मध्य प्रदेश की जनता के पैसे को बर्बाद करने के अलावा सदन के अंदर कुछ हल नहीं निकलता। जब प्रश्न नहीं उठा सकते हम, किसी बात पे मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते, तो वहाँ पर समय किस लिए लगाएंगे? दुर्गेश जी, अग्निहोत्री जी एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। दुर्गेश जी, यही तो सवाल है, मध्य प्रदेश की जनता का ही तो सवाल है, जो विधानसभा में उनके प्रतिनिधि, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो उनके मुद्दे उठाते हैं, क्षेत्र की समस्याएं उठाते हैं, भ्रष्टाचार के मामले उठाते हैं, विकास की जो योजनाएं हैं उनको लेकर सवाल उठाते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं और अपने क्षेत्र का काम कराते हैं। तो जब वही एक मौका आपके पास था वो आपने छोड़ दिया, तो कितना बड़ा। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि सदन के अंदर सवाल उठते हैं, पर देखिए ना आप, दिल्ली में सदन में सवाल नहीं उठ रहे। अरे भाई, वहाँ 15 दिन का सत्र हो रहा है दुर्गेश जी, प्रश्नकाल नहीं हो रहा। अरे तो ना हो, नहीं होंगे किस चीज के लिए 15 दिन का सत्र बैठाएंगे? सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो सोच है उसको मोहर लगवाते रहे। अरे प्रश्न दिल्ली में ज्यादा ताकत में है तो अपना निर्णय थोपने के लिए उन्होंने निर्णय ले लिया। प्रश्नकाल हो रहा है लोकसभा में, मुझे प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन प्रश्नकाल नहीं हो रहा। प्रश्नकाल में ये होता है कि सीधे सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखित उत्तर तो मिलेंगे ना आपके प्रश्नों के। दिल्ली में ये व्यवस्था है, समझ नहीं आ रहा। लिखित उत्तर मिलेंगे, उस पर सवाल जवाब या डिबेट या चर्चा तो नहीं हो रही ना जी। तो सदन के अंदर बैठ के क्या करेंगे? जवाब तो हमें दे रहे हैं तो घर पे पहुंचाएंगे। चलिए, खैर, हमारे साथ ईशानी जी है। ईशानी जी, आपका इतना लंबा संसदीय कार्य का अनुभव है, आपने देखा है। दुर्गेश जी, एक बार ईशानी जी से सवाल हो रहा है, आपने देखा है, नजदीक से भी देखा है। पहले तो हमारा एक आपसे ईशानी जी एक छोटा सवाल यही है, क्या आपने ये दौर भी कभी इतने लंबे समय में देखा है कि इतने दिनों तक, लगभग 5 महीने तक विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद खाली हो? एक हालांकि महामारी का दौर है, हो सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरे प्रदेश में सब कुछ सामान्य चल रहा, केवल स्कूल नहीं खुले, सिनेमाघर नहीं खुले, सब कुछ खुला है, तो क्या केवल विधानसभा में ही कोरोना की छापामारी हो रही है क्या? अब देखिए त्रिपाठी जी, जी अभी हाल में छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र हुआ है जी, प्रश्नकाल भी हुआ, ध्यानाकर्षण भी हुए, अशासकीय काम भी हुआ, बाकी काम भी हुए, जितने दिन का सत्र घोषित था पूरा हुआ जी। कितने विधायक कोरोना पीड़ित हो गए जी, व्यवस्था की गई जी। अगर सरकार विधायकों की सुरक्षा भी नहीं कर पाए जी, तो फिर जनता की सुरक्षा कैसे होगी जी? तो इतना लंबा लंबे समय तक कार्यकारी अध्यक्ष है ना, प्रोटेम स्पीकर है ना, मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जी। और दुर्भाग्य ये है कि दोनों उससे सहमत हैं, दोनों की ये कैसी नूरा कुश्ती है या क्या है, मैं तो समझने में असमर्थ हूँ। ये गलत परंपरा पड़ रही है जी, ये गलत परंपरा पड़ रही है, ये मैं कह सकता हूँ। कांग्रेस भी इसमें दोषी है, भाजपा भी इसमें दोषी है। कांग्रेस ने पहला दोष तो यही किया कि जब संविधान में व्यवस्था है जी कि अगला अध्यक्ष चुने जाने तक जो चुना हुआ अध्यक्ष है वो रहना चाहिए जी, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया जी? एनपीए प्रजापति ने इस्तीफा क्यों दिया जी? और ऐसी अनेक परंपराएं हैं कि अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, उपाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया, तो कई बार अध्यक्ष का इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है, नहीं किया गया है, ताकि वो व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था बनी रहे। पहली बात तो वही गलती हुई जी, वही ब्लंडर हुआ जी। और आज वो कांग्रेस इस बात से सहमत है कि अध्यक्ष का चुनाव मत कराओ। अब क्यों सहमत है ये कांग्रेस ही जवाब देगी जी।
प्रोटेम स्पीकर के अधिकार कितने होते हैं? कुछ नहीं होते हैं जी। प्रोटेम स्पीकर का काम देखिए, ये पंद्रहवें प्रोटेम स्पीकर हैं जी। ऐसे लेके 15 तक ऐसा तीन बार हुआ है जी। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा तीन बार हुआ है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों जी। एक बार 84 में हुआ, एक बार 2013 में हुआ जब रूहानी जी का ध्यान हुआ, हरवंश सिंह जी चुनाव में थे जी। तो ज्ञान सिंह बने जी, और ज्ञान सिंह जी अगर बने तो तब तक ही बने जब तक अध्यक्ष का चुनाव हो गया। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल उनका 1.25 महीने का है जी। वो भी तब जब वो सत्र चूंकि नहीं हो पाया। अब यहां तो जनवरी में सत्र हुआ जी, फिर दूसरा सत्र हुआ, ये आज वो सत्र टल गया, ये तीसरा सत्र हो रहा है जी। भाई मार्च 24 से देवड़ा जी बने जी, देवड़ा जी मंत्री बने, तो जुलाई में रामेश्वर बन गए, आज ये सत्र हो रहा है तो उसमें चुनाव नहीं हो रहा। राज्यपाल की जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें अध्यक्ष के चुनाव का एजेंडा है और फिर भी नहीं हो रहा है, कमाल है। तो ये ऐसा कब तक चल सकता है? संसदीय जो परंपरा है उसको तो उल्लंघन हुआ ही है, जो संवैधानिकता है। परंपरा गलत है जी, संवैधानिक बाध्यता जो है वो कितने दिन की है? संविधान में इसका संविधान इस मामले में मौन है, इसी का तो दुरुपयोग हो रहा है। और क्या है, कोई नियम है क्या ईश्वरी जी इस बारे में? नहीं, इसका कोई नियम नहीं है। मैंने कहा ना, संविधान इस मामले में मौन है, उसमें अवधि नहीं है, लेकिन मर्यादा ये कहती है, परंपरा ये कहती है कि जो पहला सत्र हो जी कि आप उसमें कराइए उसमें चुनाव। जितने प्रोटेम स्पीकर अभी तक हुए उन्होंने जो है सदस्यों को शपथ दिलाई जी, अध्यक्ष का चुनाव कराया जी, और पद समाप्त। ऐसा ही हुआ अभी तक ऐसा ही हुआ। कोई अध्यक्ष इतना 6-6 महीने, अब आज 6 महीने हो चुके हैं सितंबर तक, अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो रहे हैं जी, उसके बाद दिसंबर में सत्र होगा जी। तो आप ये दोनों महीने 10-10 महीने प्रोटेम स्पीकर रहे, ये तो कहीं परंपरा गलत अच्छी परंपरा नहीं है जी जी जी। तो जब ये प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे और संस्था सारे नीतिगत निर्णय लेंगे वो नीतिगत देखिए, मेरा कहना ये है विधानसभा में नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार चुने हुए अध्यक्ष को है, सभा द्वारा चुने हुए अध्यक्ष को है जी जी जी। सभा द्वारा चुना अध्यक्ष हो वो नीतिगत निर्णय ले। आज आप आज चुनाव हुआ सदस्य अध्यक्ष नहीं है, वो नीतिगत निर्णय लेगा, तो ये अच्छी परंपरा कैसे कह सकते हैं आप? ईश्वरानी जी, न केवल नीतिगत, प्रशासनिक भी जो गंभीर निर्णय है वो भी लिए जा रहे हैं। अब वो तो कई काम हो रहे हैं, वो तो मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चर्चा किसी दूसरे विषय पे है जी। लेकिन मेरा कहना ये है कि अच्छी परंपराएं पढ़ना चाहिए। आज कांग्रेस इसमें सहमत है, क्यों है मुझे नहीं मालूम, बीजेपी क्यों सहमत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये परंपरा किसी भी आदमी को गलत दिशा में ले जाएगी, और गलत परंपरा जो है हमेशा उसका उदाहरण दिया जाएगा जी। कारण ये दिया जा रहा है कि कोरोना के चलते, चूंकि आज एक विधायक की भी मौत हो गई, कोरोना नहीं रहे वो, कहा ये जा रहा है कोरोना के चलते ये सब हो रहा है, कोरोना जिस तरह से फैल रहा है तो विधानसभा के अंदर। देखिए भोपाल से जी त्रिपाठी जी जी, भोपाल से ज्यादा मामले रायपुर में हो रहे हैं। रायपुर में बकायदा पूरा सत्र हुआ, प्रश्नकाल हुआ, शासकीय काम हुआ, सारे काम हुए जी, व्यवस्था की उन्होंने जी, और उसके बाद व्यवस्था की उन्होंने। उसके जयपुर में सत्र हुआ, अभी राजस्थान का सत्र हुआ 4 दिन का जी, जयपुर में हुआ, कर्नाटक में हो रहा है, बंगलोर में हो रहा है। इसमें यह सवाल एक हम आपसे और पूछना चाह रहे हैं कि अब आप अगर विपक्ष मैंने सर्वदलीय बैठक में अगर नेता प्रतिपक्ष और जो सदस्य शामिल हुए थे विजय लक्ष्मी यादव पीसी शर्मा ये इसमें आपत्ति लेते तो क्या होता? अगर ये कहते कि नहीं हम 3 दिन का सत्र होना चाहिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए और सत्ता पक्ष तैयार नहीं होता, यानी सिराज जी तैयार नहीं होते, प्रोटेम स्पीकर तैयार नहीं होते, तो क्या संवैधानिक व्यवस्था होती? देखिए क्या है, बीजेपी की तरफ की सरकार है जी, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं जी, बीजेपी के संसदीय कार्य मंत्री हैं जी, उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा गवर्नर को, उसमें अध्यक्ष के चुनाव का मामला है जी,
राज्यपाल ने जो अधिसूचना जारी की है उसमें अध्यक्ष के चुनाव का एजेंडा है जी। अगर अगर कांग्रेस कहती कि इसको आप एजेंडा को पूरा करिए तो उनको बाध्यता थी, वो कराते हैं, कराना पड़ता है उनको जी। ये कांग्रेस की चूक है जी। वो तो कह रहे हैं कि 35 दिन बाद हम अपना अध्यक्ष बनाएंगे कमलनाथ जी। दिवा स्वप्न देख रहे हो। देखिए ये देखिए मैं एक छोटी सी बात करता हूँ त्रिपाठी जी, एक बात बताता हूँ आपको जी। जी जी बोलिए। कांग्रेस ने 15 साल इसी मुकाबले में निकाले थे जी 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 जी। अब आए मतलब 2003 से 2009 2013 सब इसी मुकाबले में निकाले थे और 15 महीने भी इसी मुकाबले में निकालते रहे कि हम स्थाई। देखिए हाँ, मेरा कहना यह है कि आप अपना जब आप आपकी सरकार आएगी तो नेचुरली बीजेपी का जो अध्यक्ष होगा वो अपने आप इस्तीफा दे देगा, आपको करना क्या है यार। सही बात। आपका आज 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 कांग्रेस की भूल की वजह से आज एनपी प्रजापति जी अध्यक्ष नहीं है, जबकि लीगली जी संवैधानिक व्यवस्था के तहत एनपी प्रजापति अध्यक्ष रह सकते थे और अपनी जो लखीराम कांवरे की बच्ची जो हमारी कांवरे मैडम जो है उपाध्यक्ष रह सकती थी। कैसे दे सकती थी जब उनके विधायक दल का बहुमत ही चला गया तो उस बहुमत दल का कैसे दे सकता था। अरे यहाँ आप की व्यवस्था है, आप यहाँ संसदीय कार्य का ज्ञान आप हासिल कर लीजिए थोड़ा सा। जब आप अपना विधायक दल के आप मतलब विधायक आपकी संख्या ज्यादा थी आप अध्यक्ष चुन लेते तो अपने आप समाप्त हो जाते, क्योंकि आपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया। जब अध्यक्ष रूहानी चुने गए तो श्रीनिवास चारी उस दिन तक अध्यक्ष थे जी। तो अपित जी उस दिन समाप्त हो जाते ना आप। संवैधानिक व्यवस्था ये ऐसा होना ही चाहिए, अध्यक्ष का पद खाली नहीं रह सकता जी। तो सभी की सहमति से लगता है, संवैधानिक व्यवस्था है लगता है मुझे, सभी की सहमति से ये भी अच्छी बात है, सभी की सहमति सभी सर्वदलीय बैठक के जो बात हुई है उन्होंने रामेश्वर शर्मा जी को लगता है कि समर्थन दिया कि ठीक है प्रोटो में स्पीकर जो है वो आप हमारे अधिमान्य हैं आगे तक के लिए। तो वो कार्रवाई भी चल रही, जब आप बता रहे हो कि राज्यपाल का निर्णय राज्यपाल की अधिसूचना आई है तमाम सारी बात हुई तो वो पटल पे तो रखी होगी ना, जब बैठक हुई होगी तो बैठक में वो पत्र तो होगा उस पर। जब भाई वो बता रहे हैं ना आप जी कि जो राज्यपाल को भेजी जाती है। मैं भी वही जो भगवान देव जी जो बात कह रहे हैं मैं तो उसी को रिपीट कर रहा हूँ। तो वही तो कह रहे हैं कि भाई जो आप राज्यपाल विधानसभा कोई ऐसे नहीं संचालित होती है, आप राज्यपाल को आप भेजते हैं सूचना, राज्यपाल को जो सूचना भेजते हैं उसमें बकायदे होता है कि कितने दिन का सत्र होना है, कितने बैठकें होनी है और क्या क्या एजेंडा है, फिर उस पर सूचना राज्यपाल जारी करते हैं। उसमें भी यह है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है लेकिन अब नहीं हो रहा, और वो बता भी रहे कि कांग्रेस की सबसे बड़ी अपने आप में चूक है। अग्नौती जी आपकी भी टिप्पणी चाहिए इस पूरे मुद्दे पर। नहीं मुझे लगता है त्रिपाठी जी कांग्रेस जो अपने विपक्ष की जो भूमिका से भटक गई है जी वो भी इस, और दूसरी बात ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि ईशरानी जी इससे सहमत होंगे जी, कि संसदीय ज्ञान का भी जो है अभाव है, संसदीय विशेषज्ञता का भी अभाव है, ना ही किसी संसदीय जानकार व्यक्ति से वो सलाह लेना चाहते हैं जी। मुझे लगता है कि आज की सर्वदलीय बैठक से पहले किसी न किसी उदाहरण के लिए कह रहा हूँ भगवान देव ईशरानी जी हैं, दूसरे और भी लोग हैं जो ज्ञान रखते हैं जो बता सकते थे कांग्रेस पक्ष को, कम से कम उनसे सलाह मशविरा कर लेना चाहिए था कि आज जो सर्वदलीय बैठक है उसमें हमको क्या स्टैंड लेना चाहिए जी। तो वहां पर वो कुछ स्टैंड ले सकते थे। देखिए जैसा कि ईशरानी जी बता रहे हैं हम सब भी जानते हैं छत्तीसगढ़ में हुआ वहां पे कार्बन की ग्लास शील्ड लगाई गई उसमें, और अब जो संसद में जो सत्र चल रहा है 15 दिन का जी। उसमें भी कार्बन की ग्लास शील्ड जो है वो लगाई गई और उस जिसकी वजह से कि स्प्रेड ना हो, खड़े होकर के नहीं बोलना है बैठ के ही बोलना है यह भी व्यवस्था की गई। तो ये सारे जितने प्रिकॉशंस हैं वो प्रिकॉशंस लेकर के मुझे तो 3 दिन के सत्र का सुनकर के भी आश्चर्य हो रहा था कि इतना छोटा सत्र, मानसून सत्र इतना छोटा सत्र, अब जबकि वो एक ही दिन का हो गया है जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष का भी चुनाव नहीं होना है, प्रोटेम स्पीकर इतने लंबे समय तक रहना बिल्कुल परंपराओं के खिलाफ है, अब उसमें कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, संविधान मौन है ऐसा ईशरानी जी कह रहे हैं, तो इतने लंबे समय तक प्रोटेम स्पीकर हमने नहीं देखा,
लेकिन और दूसरी तरफ जो प्रोटेम स्पीकर है न केवल विधानसभा के बारे में नीतिगत निर्णय ले रहे हैं, वहां की व्यवस्थाओं और वहां के जो प्रशासन के बारे में सारे निर्णय ले रहे हैं, तो इस तरह उनको अधिकार नहीं है लेकिन ले रहे हैं। अब कम से कम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता और यदि उपचुनाव में कांग्रेस उसमें आपत्ति क्यों नहीं ले रहा है, वही मैं कह रहा हूं कि संसदीय ज्ञान का अभाव है शायद, और संसदीय जो जानकार हैं उनसे सलाह भी शायद नहीं लेना चाहते कांग्रेस पक्ष जो विपक्ष में है, जो तो सलाह ले लेते कम से कम उनको पता होता है कि सर्वदलीय बैठक में उनको क्या कहना है यदि इस तरह की कोई बात आती, तो जानकारी के अभाव में इस तरह की गलतियां हो रही हैं। और ये जो एक दिन का सत्र है तो कम से कम देखिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव किए जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। रात के 3-3 बजे रात तक ईशरानी जी जानते होंगे कि सत्र के बैठकें जो हैं चली हैं, पहले भी 80 के दशक में भी चली हैं, उसके बाद भी चली हैं। तो एक दिन का भी यदि सत्र करना है तो आप अपना एजेंडा पूरा कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं है कि आपको कोई मजबूर कर रहा है। अब इनकी क्या राजनीतिक मजबूरी हो सकती है सत्ता पक्ष की, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उपचुनाव यदि कोई मजबूरी है तो उपचुनाव में यदि कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो चुना जाएगा वो उसकी जगह उसका इस्तीफा हो जाएगा और नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कांग्रेस के खेमे से चुने जा सकते हैं। तो इसमें घबराने की या चिंता करने की क्या बात है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही कि ये स्थिति क्यों की बनाई गई। ईशानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ईशानी साहब दो चीजें और हमारे में आप अपनी बात कहें, लेकिन दो सवाल हमारे भी हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूं, उनका बाद में उत्तर दीजिए। पहला ये कि आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है, शायद मंत्रालय में हुई है, कहां वहां मुख्यमंत्री संसदीय कार्य मंत्री नेता प्रतिपक्ष के साथ प्रोटेम स्पीकर बैठे थे, क्या वो संवैधानिक व्यवस्था में बैठ सकते हैं? दूसरा ये कि अगर मान लीजिए सोमवार को सत्र होना है तो उसी दिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कराने के बाद क्या सत्र या अनुपूरक बजट जो पास करना है, मुझे लगता है जो अनुपूरक बजट आएगा केवल उसको पास कर ले तो उसी दिन हो सकता है क्या सत्र? बिल्कुल सब हो सकता। देखिए मैं ये आपको इतना बताना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो हाल में सत्र खत्म हुआ है जी, वो पूरी अवधि चला है एक बात जी। दूसरी बात 5:30 बजे का समय या 5 बजे का समय जो होता है उससे ज्यादा समय 8 बजे तक सत्र चला है वहां जी, अतिरिक्त बैठ करके उन्होंने एजेंडा पूरा किया है जी। मैं कह रहा हूं जी, और आप यहां कह रहे हैं कि जितना कोरम हो उतने विधायक आए, जो संसद में नहीं हो रहा है, जो 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 राजस्थान में नहीं हुआ, जो छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, जो कर्नाटक में नहीं हुआ, वो मध्य प्रदेश में परंपराएं बन रही हैं जी। दूसरा हमारे दो सवाल थे, ठीक है, ऐसा बैठ करके एजेंडा पूरा कर रहा और आप कह रहे हैं कि साहब आप जी 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 अपनी बात पूरी करें, खत्म करिए इस मामले को, एक दिन में खत्म करिए जी। और देखिए मेरा कहना यह है, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार जी अधिसूचना ये जो अपने क्या कहते हैं आपका अध्यादेश जारी करके बजट पारित हुआ है जी जी जी, पहली बार पिछली क्या वित्तीय स्थिति पर चर्चा नहीं होना चाहिए, क्या रोजगार की स्थिति पर चर्चा नहीं होना चाहिए, क्या व्यवसाय रोजगार पर चर्चा नहीं, क्या कोरोना जैसी भयावह स्थिति पर चर्चा नहीं होना चाहिए जी। जब आप खुद सरकार कह रही है कि कोरोना की स्थिति भयावह है, सत्र नहीं चला सकते, तो क्या जनता को ये नहीं बताना चाहिए कि क्या भयावह है, क्या सतर्कता बरतना चाहिए, क्या सरकार कर रही है, क्या सरकार करना चाहती है, क्या ये सदन के सामने नहीं आना चाहिए? ईशरानी जी त्रिपाठी जी यही कह रहे हैं कि कोरोना का जो संकट है वो केवल विधानसभा के लिए है क्या? पूरा मार्केट खुला है, पूरा सारे कामकाज खुले हैं, लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, केवल विधानसभा के लिए त्रिपाठी जी यही कह रहे हैं। सही बात है ना भाई, आखिर कोरोना की स्थिति अगर भयावह है तो जनता को पूरी स्थिति मालूम पड़े कि क्या सरकार कर रही है, क्या एहतियात जनता को बरतना चाहिए, क्या एहतियात व्यवसायियों को बरतना चाहिए। आज देखिए जबलपुर में व्यवसायियों ने खुद लॉकडाउन किया है, इंदौर में लोगों ने खुद सरकार दुकानें जल्दी बंद कर रहे हैं जी, कटनी ने खुद व्यवसायी जल्दी दुकानें बंद कर रहे हैं, सरकार कह रही खोले रहो, केस बढ़ रहे हैं, सरकार कह रही खोले रहो, तो आखिर ऐसा क्यों? ये भी तो जनता को कोई बताने वाला हो ना जी।
जो दो चीजें हमारी थी, क्या जैसा मैंने कहा कि आज सर्वदलीय बैठक में प्रोटोम स्पीकर थे, हमें जो मालूम है वो इतना मालूम है कि प्रोटोम स्पीकर केवल सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए होता है, तो प्रोटोम स्पीकर मौजूद थे तो संवैधानिक तौर पर क्या सही था। दूसरा ये कि क्या सोमवार के दिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता और उसके बाद सदन भी चल जाता अगर एक ही दिन का होना था तो भी? हाँ हाँ बिल्कुल आसानी से हो सकता है। कोई देखिए काम करने के लिए परंपराएं हजार बार टूटी हैं, काम करने के लिए कोई भी नियम कायदा संविधान आपको नहीं रोकता, हाउस इज सुप्रीम जी। दूसरा क्या प्रोटम स्पीकर वहां उपस्थित थे? बिल्कुल हो सकता था, प्रोटम स्पीकर उपस्थित थे सर्वदलीय बैठक में। देखिए हाँ हाँ देखिए सर्वदलीय बैठक तो प्रोटेम स्पीकर ही ने ली होगी, उसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर ने की होगी ऐसा मैं मानता हूँ, मेरे को मालूम नहीं है इसके बारे में, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने इसकी अध्यक्षता की होगी तो उनका रहना लाजमी था। अगर मुख्यमंत्री ने ली है बैठक जी, मंत्रालय में बैठक हुई है, बैठक ली है मंत्रालय, स्पीकर का जाना उचित नहीं है, मंत्रालय में बैठक हुई है। सवाल यह है कि अध्यक्षता किसने की? प्रोटेम स्पीकर ने नहीं, ये प्रोटेम स्पीकर ये मुझे नहीं मानो, मंत्रालय अमूमन जितनी भी सर्वदलीय बैठकें हुई हैं आज तक मेरी जानकारी के अनुसार जी 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 वो विधानसभा में ही हुई हैं जी। चलिए और उल्टा में और स्पीकर ने उसकी अध्यक्षता की, अब वहां मंत्रालय में क्यों हुई जी और किसने अध्यक्षता की ये मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा जी। चलिए दुर्गेश जी आपने सुन लिया होगा, कहीं न कहीं विपक्ष की पूरी तरह से वीकनेस है, कमजोरी है। एक तो आपने स्पीकर एमपी प्रजापति का, अरे मेरा सवाल हो जाने दीजिए, मेरा सवाल हो जाने दीजिए पूरी तरह से इसराइल बता, आप संसदीय ज्ञान अगर नहीं था तो ज्ञान ले लेते भाई, आपका स्पीकर अभी तक रहा आता, स्पीकर रहते उनसे क्यों इस्तीफा दिलवाया? दूसरा आप आज अगर विरोध करते, क्योंकि अधिसूचना जारी हुई है, राज्यपाल के यहाँ चिट्ठी गई है, उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव की बात कही गई है, वहां से जो सूचना जारी हुई है उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव की बात कही गई है, ऐसी स्थिति में अगर आप ऑब्जेक्शन लेते तो निश्चित तौर पर संवैधानिक तौर पर वो बाध्य होते स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनने को। बिल्कुल आदरणीय त्रिपाठी जी, संविधान की समझ नहीं है ऐसा संभव नहीं है, संसदीय ज्ञान मेरे वरिष्ठतम नेता थे, संविधान नहीं संसदीय ज्ञान बोल रहा हूँ साहब, संसदीय ज्ञान और संवैधानिक समझ जो सांसदीय परंपराओं है सारी परंपराओं का ज्ञान हमारे नेताओं को है, तो फिर स्पीकर से स्पीकर क्यों दिलवा दिया भाई? अब आप मेरी बात सुन ले, आपने बोला था सवाल के बाद में जवाब सुन ले मेरा जी। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है जी, जिस तरीके से सरकार बनी है जी, वो कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता, ना वो संसदीय कार्य को मानते। जिस तरीके से मंत्रिमंडल में 14 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास विधायकी नहीं है, हम उसका विरोध कर रहे हैं, क्या हो रहा है? हम जनता के बीच में जाके जनता के माध्यम से जब सरकार में आएंगे तो बताते हैं कि आपके कानून क्या होगा और संवैधानिक व्यवस्थाएं क्या चलेगी, कैसे चलेगी। दुर्गेश जी मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास है, दुर्गेश जी के शासनकाल में विधायक त्रिपाठी जी, दुर्गेश जी संविधान में ये है, संविधान में ये उल्लेख है कि बिना विधायक रहते हुए भी 6 महीने मंत्री रह सकता है, वो संविधान के अनुसार है। इब्राहिम कुरैशी थे आपके यहाँ? बिल्कुल थे जी। पर क्या सदन के अंदर या जो मंत्रिमंडल के अंदर आधे से ज्यादा आधे मंत्री बिना विधायकों के हो सकते हैं? हो सकते हैं, ये एक संवैधानिक व्यवस्था पे सवाल है। नहीं कोई कोई सवाल नहीं हो सकते हैं, तोड़े जा रहे हैं जब मुख्यमंत्री बिना विधायक के हो सकता है, मुख्यमंत्री बिना विधायक के हो सकता है तो मंत्री क्यों नहीं हो सकते? तब संविधान जी, मैंने आपसे संख्या बल पे बात कर रहा हूँ जी, इस बात पे नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकते, इस राणी जी से पूछ रहा हूँ, ये हो सकते हैं पर क्या इतनी संख्या है? अरे उसमें क्या, जहाँ एक हो सकता है वहाँ 10 होने में क्या दिक्कत है? और रही बात संविधान की, बार बार आप कर रहे हो, चुनाव की क्या आवश्यकता है? तो वो तो चुनाव में आपको जाना पड़ रहा है, उसमें दुख हो रहा है कि आपको हमको जाने को, अरे तभी तो आपने शरद कौल को नारायण, जिसके पास पैसा है, जिसके पास लाठी है, जिसके पास बंदूक है, देश में सरकार चला ले। अब आपके पास तो था तो वो तो आयकर विभाग वालों ने ले लिया था,
किसान नियमन तो आप तो जिसके पास पैसा है, जिसके पास लाठी है, जिसके पास बंदूक है वो देश पे कब्जा कर लेगा। शरद पोल जी को बिना इस्तीफे के किसने बात किया था? नारायण त्रिपाठी जी कौन थे? काहे के लिए तब आपने नहीं कहा था कि इस्तीफा दे के कांग्रेस में हो? संविधान की बात करते हो, जब आप करते हो तो संविधान की कोई बात नहीं आती है हमको। अरे आपने उनके साथ ऐसे मंत्री है, आपने उन विधायकों के साथ छल किया था, आपने उन मंत्रियों के साथ छल किया था, आपको छोड़ के गए। आप नहीं सकते, अभी और भी जाने की स्थिति में है। दुरुपयोग कर रहे हो आप वहाँ पर, कानूनी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हो और उसके बाद में अपेक्षा कर रहे हो। अरे आप कमलनाथ जी को कमलनाथ जी विषय पे बात की बात हो, त्रिपाठी जी ये त्रिपाठी जी विषय पे बात आप बार बार जीवन में खड़े नहीं हो पाओगे। क्या आपने आपको समर्पण कर दिया? क्या त्रिपाठी जी आपने पिछले सत्र में भी सहमति दी? कानून को तोड़ रहे हो आप, किसी कानून को मान नहीं। त्रिपाठी जी ये बड़े कहते थे कमलनाथ जी बड़े मैनेजमेंट में हुआ है पर ये, अरे तो ये भी मैनेजमेंट चला गया ना। आज सर्वदल नहीं बैठ सकते दुर्गेश जी, अरे पिछली बार भी, अरे मेरी बात तो सुन लो भाई, अरे मुद्दा वो नहीं है न मानने में मायर। अरे दुर्गेश जी मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि देखिए एक मैं बात तो सुन लो, सिर्फ एक है मुद्दा तो सिर्फ एक है कि क्या देश संविधान से चलेगा? तकनीकी खामियों पे बात करिए ना, हम संविधान से चलाने के लिए अरे दुर्गेश जी तकनीकी खामियां जो है उन पे बात करिए आप, उसमें ठीक है कि क्या है जबरदस्ती आपके विधायक तोड़ लिए गए, अलोकतांत्रिक सरकार है, ये सब तो आप 50 बार बोल चुके हैं। हमारी बात यह है कि पिछला जो सत्र होना था आपके नेता प्रतिपक्ष है, जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक तो भी बाद में होगी, सर्वदलीय बैठक में उन्होंने सहमति दे दी कि नहीं हो सत्र, नहीं हुआ। आज जो बैठक हुई उसमें कह दिया, अरे इसराणी जी बता रहे हैं इतने बड़े ज्ञाता हैं, इतना बड़ा लंबा अनुभव है कि चूंकि आप, अरे मेरे सवाल तो सुन लीजिए, अरे सवाल ही आप सवाल ही नहीं समझ पा रहे हैं तो जवाब क्या सुनूं? आप सवाल ही नहीं समझ पा रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, आप बार बार बोल रहे हैं कि जो इनको राज्यपाल को सूचना दी गई, राज्यपाल के यहां से जो सूचना जारी हुई उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव का होना है ये उल्लेख है। ऐसी स्थिति में आपने ये क्यों बाध्य नहीं किया कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष से पहले चुनाव हो? ये आप और हम कह रहे हैं कि क्यों बाध्य नहीं किया? हाँ, सारी चर्चाएं हुई है पर जब सामने वाला सुनने और मानने को तैयार नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं किया जाता। तो बाहर आके हम लोग खड़े तो हैं, बाहर आके किसी ने भाई बोला किसी ने? मैं आपके पास ही तो आया हूँ, आपने मुझे बुलाया है, मैं आप ही के समक्ष तो हाजिर हूँ। अरे भाई मैं तो चर्चा कर रहा हूँ। पीसी शर्मा जी, विजयलक्ष्मी साधो जी, कमलनाथ जी में से कोई ये बयान जारी करता कि हमने ऑब्जेक्शन लिया है, विरोध किया उसके बाद नहीं माने तो बात अलग थी। त्रिपाठी जी बात तो सुन लें जी, इस मध्य प्रदेश में ईशानी की इस बात के गवाह है और इस बात आपको अच्छी तरीके से समझा पाएंगे जी कि जिस तरीके का 6 महीने पहले राज्यपाल महोदय की तरफ से रात रात को जो चिट्ठियां आ रही थी, ड्राफ्टिंग कहीं हो रही थी, आ कहीं पे रही थी, वो चिट्ठियां बताती है मध्य प्रदेश के अंदर कितनी संवैधानिक परंपराओं का निर्वहन हो रहा है या हुआ है। चलिए खैर, किस तरीके से विधायक जो मध्य प्रदेश में थे ही नहीं उनके इस्तीफा ला के देने वाली भारतीय जनता पार्टी। अरे आज का मुद्दा विधानसभा सत्र का है, कहां चले सरकार गिराने पे आप चले जाते हैं, पूरा मुद्दा वहीं से खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है? आज तो विपक्ष के रूप में आप नींव ही गलत हो गई है। अरे भाई सत्र शुरू, सत्र 3 दिन का लगे, 1 दिन का लगे, चुनाव हो न हो ये तो आपके अधिकार में था। आदरणीय अधिकार में तो बहुत कुछ है, अधिकार मान कौन रहा है, सुन कौन रहा है? अरे तो बाहर में नेता प्रतिपक्ष क्यों बने? अधिकारों को सुन नहीं रहा है। चले दुर्गेश, हमारे समय सवाल तो इशारी जी चलते चलते एक सवाल और रह गया है। निश्चित तौर पे जब भी कोई सत्र शुरू होता है उसके पहले कार्य मंत्रालय समिति की बैठक होती है और कार्य मंत्रालय समिति की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री, अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जरूर रहते हैं, वो अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री। ऐसी स्थिति में क्या सोमवार को जो सत्र होना है उसमें कार्य मंत्रालय समिति की बैठक भी होगी क्या? होना चाहिए। दूसरी बात, एक बात मैं और ध्यान दिला दूं, तिवारी आपने एक बहुत मुद्दे की बात कही थी जी कि क्या उसी दिन अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है जी। अभी जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ 14 तारीख से जी,
जी जी, यानी कल से, उसमें पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी के देहांत पर सिर्फ एक घंटे के लिए सत्र स्थगित हुआ और काम शुरू हो गया जी। आप ये कह रहे हैं कि हम जो है एक दिन पहला दिन जो है श्रद्धांजलि नहीं खत्म करेंगे, क्यों? एक घंटा श्रद्धांजलि दीजिए और अध्यक्ष का चुनाव करा दीजिए जी। जी जी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हो सकता है आराम से। और अभी कार्यमंत्रण समिति में कई बैठक होगी, उसमें फिर कांग्रेस के पास अवसर है, अगर वो उसका लाभ उठा सके तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसा हो रहा है चलेगा। नहीं, कार्यमंत्रण समिति की बैठक में फिर नेता प्रतिपक्ष बात उठा सकते हैं कि पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव हो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं, क्यों उठा सकते हैं। और उनको बात होना पड़ेगा क्योंकि राज्यपाल के से जो सूचना जारी हुई है उसमें ये दोनों कार्रवाई एजेंडे में है ना। देखिए त्रिपाठी जी, एजेंडे में नहीं जी, देखिए क्या है जी जी, एजेंडे में है, ऑलरेडी एजेंडे में है, बीजेपी की शासन ने, मुख्यमंत्री जी ने, संसदीय कार्य मंत्री ने एजेंडे में उसको शामिल किया है। अब आप खुद ही कहें कि अब रहने दीजिए तो उसके लिए उनको वोट कैसे दे सकते हो आप? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, न सरकार चलानी आई और न ही विपक्ष की भूमिका सही ढंग से अदा करने आ रही है। दुर्गेश जी थोड़ा सा सख्त हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नापी जी आपका और ईश्वरी जी आपका और अग्निहोत्री जी आपका इस पूरे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। तो ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन सिंह दागी का निधन होने की वजह से अब मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। मतलब कांग्रेस की जहां मुश्किलें पहले ही कम नहीं थी वो अब और बढ़ गई है। इधर कांग्रेस के पास मौका था उपचुनाव के ठीक पहले विधानसभा के मानसून सत्र में वो कई बड़े मुद्दों को उठाते हुए अपने तीखे सवालों के जरिए सरकार को घेरे, लेकिन उसने ये बड़ा मौका भी गंवा दिया है। क्योंकि अब जब सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने ही सत्र को एक दिन का करने के लिए अपनी सहमति दे दी है तो इस बात का सवाल ही नहीं उठता है कि सदन में कांग्रेस शिवराज सरकार को घेरेगी, लिहाजा उपचुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि एक सवाल यह भी है कि जब कोरोना काल में सब कुछ सामान्य है तो फिर विधानसभा के मानसून सत्र पर ही कोरोना की बड़ी मार क्यों पड़ी? सरकारी निजी दफ्तरों में जब कामकाज हो सकता है तो सदन की कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता है, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवाल के साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।